हेलो एवरीवन, मैं हूँ मऊ और मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बंगाल की एक फेमस रेसिपी जो है इलिश भापा या फिर भापा इलिश, और इसे स्टीम करके बनाया जाता है। और इसे बनाने के लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती और बहुत ही कम मेहनत में ये बन जाते हैं, और इसका जो टेस्ट आता है ना वो ऑसम होता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। भापा इलिश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हिल्सा फिश यानी इलिश माछ लिया है लगभग 500 ग्राम्स के करीब, और इसे मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला के मैरिनेट करके रखूँगी 10 मिनट के लिए। आप इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट फिश को भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इस प्रोसेस से मतलब थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर लगा के रख देते हो थोड़ी देर के लिए, तो इससे क्या होगा, मछली के अंदर तक नमक जा पाएगा। तो मैंने मैरिनेट कर लिया है, अब देख लेते हैं और क्या क्या ज़रूरत है हमें। मैंने यहाँ पे लिया है काला सरसों 2 टेबलस्पून और पीला सरसों 2 टेबलस्पून, आप किसी एक का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। और मैंने लिया है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हरी मिर्च। अब हम ये सरसों को थोड़ा सा पानी में भिगो के रखेंगे और फिर इसका स्मूथ सा एक पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हो पेस्ट हमारी रेडी है। सरसों से एसिडिटी का भी प्रॉब्लम होता है किसी किसी को, तो हम इसे यूज़ करने से पहले थोड़ा सा छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेनलेस स्टील का टिफ़िन बॉक्स लिया है और एक छन्नी की मदद से इसे हम छान लेंगे। तो सारे मैंने छान लिया है और आप ये जो छिलका देख रहे हो इसे हम फेंक देंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी मिलाऊंगी ताकि इसका जो कंसिस्टेंसी है वो भी बैलेंस्ड हो जाए। तो देख सकते हो मैंने सारे अच्छी तरह से निचोड़ के लिया है, थोड़ा सा मिला देंगे इसको। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ा भी नहीं होगा, बहुत पतला भी नहीं होगा। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। तो मैं सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब जो मैरिनेट किया हुआ फिश है वो एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। तो है ना ये बहुत ही आसान, बस मछली को यहाँ पे हम डालेंगे और इसको थोड़ा सा स्टीम दे देंगे, बस ये बनके रेडी हो जाएगा। तो मछली को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे ताकि सारे मसाला इसमें अच्छी तरह से लग जाए, बिल्कुल इसी तरह से। और फिर हम इसमें स्लीट किया हुआ जो ग्रीन चिली है वो हम इसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ पर लाल मिर्च डाले हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग हरे मिर्च डालें। तो इसके ऊपर से हम सरसों का तेल डालेंगे, 2 टेबलस्पून के लगभग मैंने यहाँ पे तेल डाले हैं, इससे इसका टेस्ट ना और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हमारी रेडी है, अब ढक्कन लगा के हम इसको स्टीम करेंगे। यहाँ पे मैंने गैस को ऑन करके उसके ऊपर एक पैन चढ़ा दिया है और थोड़ा सा पानी गरम किया है मैंने 2 कप के लगभग, और उसके ऊपर हम टिफ़िन बॉक्स को रख देंगे। एक बात को हमें ज़रूर ध्यान में रखना है, पानी हमें उतना ही यूज़ करना है ताकि टिफ़िन बॉक्स के अंदर पानी नहीं जा पाए। अब इसको ढक देंगे और 15 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर स्टीम करेंगे। 15 मिनट हो गया है और ये बिल्कुल पक गया है। ओवन को मैंने ऑफ कर दिया है, तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे फिर हम इसका ढक्कन खोलेंगे। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मैं सावधानी से इसे खोलूंगी। ये देखिए ये बढ़िया तरह से तैयार हो गया है, आप एक चम्मच की मदद से देख भी सकते हैं कि ये जो मछली है बहुत अच्छी तरह से पक गया है। इलिश भापा रेडी है। आप इसको बिल्कुल स्टीम प्लेन राइस के साथ सर्व करें, ये बहुत ही यम्मी बनते हैं। तो फ्रेंड, मेरे बनाए गए ये रेसिपी अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।
थैंक यू, बाय बाय।